दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए NHM की सीधी भर्ती की अपडेट लेके आ चुके हैं। जहाँ दोस्तों नेशनल हेल्थ मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, बिना एग्जाम की भर्ती है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या पोस्ट वाइज वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो जो कि आउट हो चुकी है, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं NHM वैकेंसी की पूरी जानकारी। जी हां दोस्तों, नेशनल हेल्थ मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें डिस्ट्रिक्ट आशा ट्रेनर की, 500 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सैलरी की अगर बात की जाए तो NHM रूल के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। योग्यता की अगर बात की जाए तो डिप्लोमा ANM, GNM या BSc नर्सिंग या बेसिक पोस्ट BSc नर्सिंग, BMS, BUMS, BHMS, PG डिग्री या डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। कंप्लीट जानकारी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड आप नोटिफिकेशन से मैच कर सकते हो और बाद में सिंपली आवेदन कर सकते हो। बात अगर आयु सीमा की जाए तो मिनिमम 25 और मैक्सिमम 65 वर्ष है। आवेदन शुल्क की अगर बात की जाए तो UREWS, BC, MBC कैंडिडेट्स के लिए ₹500 आवेदन शुल्क है। SC ST वोमेन कैंडिडेट्स के लिए ₹250 आवेदन शुल्क है। बात अगर पेमेंट की जाए तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन या फिर ई चालान से ऑफलाइन भी कर सकते हो। सिलेक्शन बिना एग्जाम के होगा, अकेडमिक क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पे ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है स्टेट हेल्थ सोसाइटी bihar.org, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2020 है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 31 अक्टूबर 2020 है। दोस्तों इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके टेबल के एंड में आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF की टैब दी गई है। जैसे आप इस टैब पर क्लिक करोगे तो इसकी नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट आशा ट्रेनर के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एंटायर बिहार से अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हो। 500 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। बात अगर आयु सीमा की जाए तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आयु की गणना 1/9/2020 से की जाएगी। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ से मैच कर सकते हो और सिंपली आवेदन कर सकते हो। पूरा क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। जैसे आप इस PDF को और स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज वैकेंसीज, क्वालिफिकेशन और जो बाकी की जानकारी है वो आपको यहाँ पर डिटेल्स में दी गई है। सामान्य निर्देश आप यहाँ से पढ़ सकते हो अप्लाई करने से पहले। ऑनलाइन करने के लिए भी सभी इंस्ट्रक्शंस आपको यहीं पर दिए गए हैं कि कैसे कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। जहाँ दोस्तों अप्लाई करने से पहले आपको ये नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ये आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। साथ साथ दोस्तों हमारे पोर्टल पर ही अप्लाई ऑनलाइन की भी टैब दी गई है। जैसे आप इस टैब पर क्लिक करोगे तो ऑनलाइन का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको ऑलरेडी अप्लाइड के अंतर्गत एप्लीकेशन ID डालनी होगी, 10 डिजिट मोबाइल नंबर और लॉगिन करने के बाद में ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत अप्लाई ऑनलाइन की टैब पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस टैब पर क्लिक करोगे तो ऑनलाइन का ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको स्टेप 1 के अंतर्गत आपको पर्सनल डिटेल्स इसमें फिलअप करनी होगी। जैसे कि यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स या हस्बैंड नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, जेंडर मेल या फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल ऑफ बिहार यस या नहीं, और साथ साथ यहाँ पर आपको फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, लैंग्वेज इसी तरह आपको यहाँ पर कंप्लीटली फिलअप करने के बाद में नेक्स्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर स्टेप 2 फिलअप करना होगा, स्टेप 3, 4, 5, 6 इसी तरह आपको सभी स्टेप्स ध्यानपूर्वक कंप्लीट करने होंगे। तो दोस्तों ऐसे आप इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी बिग अपडेट अपलोड करते हैं।